बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिस्टम हाउस स्कूल सिस्टम क्लास 9th। टुडे आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फ्रॉम द सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ऑन द पेज नंबर 68 एंड 69 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टुडे इज नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। यानी कौन कौन से एलिमेंट्स को किस टाइप की बॉन्डिंग बॉन्डेज उनमें पाई जाती है, जैसे कि चार जो टाइप्स ऑफ बॉन्डेज हैं हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिक कोवलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। इस तरह की जो बॉन्डिंग है इसमें किन किन एलिमेंट्स में किस टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है और वो कैसे कैसे जो कंपाउंड्स हैं वो तैयार करते हैं। तो ऐसे जो आज पहला टॉपिक है जो हम डिस्कस करने लगे हैं इस मेन टॉपिक का, जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं और आयोनिक कंपाउंड्स बनने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो इसका क्लू है वो ये है कि ऐसे कंपाउंड जो कि आयोनिक बॉन्ड्स की वजह से जिनमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाए और ऐसे उनसे आयोनिक बॉन्ड पाए जाने की वजह से जो कंपाउंड ये बनाते हैं वो बॉन्ड आयोनिक कंपाउंड कहलाएंगे और कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो जो प्रॉपर्टीज़ है आयोनिक कंपाउंड्स की वो इस बात पर डिपेंड करती है, इन सब कंपाउंड्स की वो डिपेंड करती है कि इनके दरमियान एलिमेंट्स के दरमियान कौन कौन सी बॉन्डेज पाई जाती है। तो पहली बॉन्डेज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू वो ये है आयोनिक कंपाउंड की। आयोनिक कंपाउंड हमेशा से बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड जब भी पाया जाता है तो वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान पाया जाता है और आयोनिक कंपाउंड पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस की वजह से बनता है। ये आयंस ये हमेशा से ये जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये आयंस की फॉर्म में कंसिस्ट करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स की शक्ल में नहीं होते, आयंस की शक्ल में होते हैं। और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कंबाइन करेंगे टुगेदर, मतलब जब ये मिलेंगे हेल्ड टुगेदर होंगे तो एक सॉलिड क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में या क्रिस्टल लैटिस शक्ल में, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। तो ऑर्डरली अरेंजमेंट, जैसे मिसाल के तौर पर डायग्राम में आप वीडियो में भी देख रहे हैं, डायग्राम में देख रहे हैं ऑर्डरली अरेंजमेंट है सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस की, जो कि सॉलिड जो क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ब्राउन बॉल्स जो हैं वो सोडियम आयंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो ग्रीन बॉल्स हैं वो क्लोराइड आयंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इनके दरमियान ये जो रेगुलर अरेंजमेंट बन रहा है सोडियम क्लोराइड का, जो क्रिस्टल लैटिस बन रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आयोनिक बॉन्डेज को।